हेलो दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब परिवार के साथ में। दोस्तों, आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिए। बहुत यूज़फुल वीडियो है और मैं बता रही हूँ कि कैसे लगाती हूँ, क्या करती हूँ, तो पूरा वीडियो फ्रेंड्स देखिएगा। ये फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये कटिंग से इतनी इजली टू ग्रो होते हैं, बहुत जल्दी से ये डेवलप होते। एक बार अगर अपने गार्डन में आप ले आएं, कहीं से भी एक कटिंग मिल जाए, एक कटिंग से एक डंडी ही इस पौधे की काफ़ी है। और ये अपनी पत्तियों में इतना कलरफुल लिए रहती हैं फ्रेंड्स, और इनको देख रहे हैं कि जहाँ गांठ है, गांठ के नीचे से काटें और एक पत्ती नीचे से हटा दें फ्रेंड्स, और फिर इसको देखें कि कैसे मैं लगा रही हूँ। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इनको मैंने इसमें होल करने के बाद में और अच्छे से इनमें लगा रही हूँ। लगाने के बाद में ये फ्रेंड्स ऐसी छोटी छोटी टिप कटिंग कर लें, कटिंग करके और फिर इनको पोरस मिट्टी बना लें। इसमें थोड़ी मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने हल्दी और चाय की पत्ती को मिलाया, तो फ्रेंड्स इससे बेल्डन मिट्टी होती। और हल्दी को मिलाने से फ्रेंड्स क्या होता है कि इसमें फंगस नहीं लगती है। तो इस समय बहुत अच्छा लगाने का ये समय है, और फ्रेंड्स ये ब्राइट रोशनी में भी ये चल जाता है, लेकिन खूब अच्छी सी रोशनी आना चाहिए। अगर आप सोचें कि बिल्कुल इंडोर प्लांट है, तो फ्रेंड्स ये इंडोर प्लांट नहीं है, ये धूप और छाया में दोनों जगह चलता है। फ्रेंड्स हमारे ये पोर्च जो है पूरा ढका हुआ, लेकिन हमारा दक्षिण फेस का, उसमें बहुत अच्छे से रोशनी आती जब धूप 2 बजे के बाद में इतनी तेज़ी से धूप आती। फ्रेंड्स बहुत अच्छे से हमारे पौधे, आपने देखा होगा कि यहाँ ग्रो कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ये देख रहे हैं कि कटिंग से मैं कैसे इनको लगा रही हूँ। एक डंडी से मैंने ढेरों, मैंने फ्रेंड्स आधा गार्डन तो इसी से भर दिया है, हमारे ग्राउंड फ्लोर में और बालकनी में, हमारे टेरिस में, ढेरों तरीके की इसमें पर्पल हार्ड के लगे हुए हैं। Thank you.
अब क्या करें कि फ्रेंड्स ऐसे सावरिंग कर दें, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालें क्योंकि ये अपनी डंडियों में इतना पानी होल्ड करके रखते हैं। तो फ्रेंड्स जब स्टार्टिंग में डालें तो ऐसे सावरिंग हल्की पुल्की कर दें, तो इनमें क्या है जड़ें बहुत अच्छे ढंग से पकड़ लेती हैं ये इतने। और ये आप, मैं समय समय से इसको दिखाती रहूँगी कि कितने जल्दी से ग्रोथ करते हैं, ये बहुत जल्दी डेवलप करते हैं फ्रेंड्स ये। तो ये फ्री से, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं ये। और इसमें जब फूल निकलते हैं फ्रेंड्स, बहुत सुंदर पिंक कलर के फूल निकलते हैं। और आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।